सो हे गाइस, दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। तो भाई फॉर्म आ चुकी है, सैनिक स्कूल की फॉर्म आ चुकी है, AIEEE मतलब कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 का ऑफिशियल फॉर्म आ चुका है। और ये जो वेबसाइट है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाएंगे और इस वेबसाइट पर डायरेक्ट आप आ सकते हैं। तो भाई चलिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसके पूरा मैं अबाउट पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। अब उसको बोल रहा है कि ये फॉर्म आ चुकी है और ये फॉर्म चलेगी 20 नवंबर 2020 के निकट तक ये फॉर्म चलेगी। और इसका एग्जामिनेशन जो होगा वो 10 जनवरी से 20 जनवरी 2021 के बीच में ही कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप ये वाला मतलब एनटीए करा रही है, एनटीए को इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब यहाँ पे अगर जब जैसे ही मैं आपको जो लिंक दिया हूँ प्रेस करने पर आप यहाँ पर आ जाएंगे और फिर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस पर आपको प्रेस कर देना है, ठीक है। प्रेस करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आ गया है ये ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा होगा ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, ठीक है। अब ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट का है, और जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, उसको प्रेस कर देना है, ठीक है गाइस। अब न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रेस करने के बाद आपको क्या क्या चाहिए वो बता रहा है। सबसे पहले तो इसमें देख लीजिए फ़ी क्या है। फ़ी जनरल OBC यानी कि NCL, ठीक है, वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, इनके लिए 550 रुपी है, ठीक है, 550 रुपये है। और फिर SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रिप के लिए 400 रुपीज़ है, ठीक है। और उसके बाद बोला है आपको चाहिए क्या क्या, ठीक है ना। बोल रहा है कि आपको कैंडिडेट का फोटोग्राफ चाहिए, मैं इसको आपको थोड़ा सा मतलब जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है कैंडिडेट का फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है, मतलब अपलोड करने के लिए। कैंडिडेट के सिग्नेचर चाहिए, कैंडिडेट का थंब इम्प्रेशन चाहिए, ठीक है। फिर बोला है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, फिर डोमेसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, डोमेसाइल सर्टिफिकेट यानी कि गृह प्रमाण पत्र, ठीक है। फिर बोला है कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि अगर उपयुक्त हो तो कास्ट का भी सर्टिफिकेट चाहिए। फिर बोला है सर्विस का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बता रहा है कि द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। बोला है कि आपका जो आप जो फोटो अपलोड करेंगे वो कलर्ड भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, बट क्लियर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, यानी कि साफ से चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है जो स्कैंड फोटोग्राफ सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन शुड बी JPG और JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए, एक फॉर्मेट होती है इमेजेस की, उसके फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप ये पढ़ सकते हैं क्या क्या बोला है कि ये 10KB से लेकर 200KB तक होना चाहिए फोटोग्राफ, स्कैंड फोटोग्राफ, ठीक है, ये सब अपना बता रहा है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह का जो सर्टिफिकेट है वो कितने कितने KB में होना चाहिए ये सब बता रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे मतलब मैं इसका लिंक दे दिया हूँ, आप आराम से वहाँ पे आके आराम से शांति से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है आपको इसमें पासवर्ड भी डालना होगा, ठीक है। ये पासवर्ड जनरली उसके लिए होता है ना कि आप मतलब कहीं भी जाकर लॉग इन कर सके, ठीक है, ये आपको पासवर्ड खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये पासवर्ड जो होगा वो पासवर्ड कैसे बनेगा, पासवर्ड जो होगा गाइस देखिए 8 से लेकर के 13 करेक्टर, यानी कि समझिए इस तरह, मान लीजिए आपका जो नाम है, जैसे मेरा नाम अमृत तिवारी है, ठीक है, AMRIT 5 अक्षर हुआ, TIWARI, ठीक है, 10 करेक्टर हो गया, यानी कि वही बता रहा है कि 8 से 13 करेक्टर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, यानी कहना चाह रहा है ना कि मान लीजिए जैसे मैं कोई आप अच्छा लिखते हैं, मैं लॉयन लिखते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग का आप लेटर जो होता है बड़ा करते हैं, एल बड़े में लिखते हैं, बाकी IUN स्मॉल लेटर में लिखते हैं, वही बोला है अपर केस लेटर यानी कि बिग लेटर, ठीक है। फिर बोला है एक लोअर केस भी होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, यानी कि एक लोअर केस का भी होना चाहिए। और बोला है एक कोई नंबर होना चाहिए आपका पासवर्ड में, ठीक है। और उसके बाद बोला है पासवर्ड मस्ट हैव स्पेशल कैरेक्टर, आप जानते होंगे हैशटैग हो सकता है, एन हो सकता है, पावर हो सकता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन हो सकता है, एजरेट हो सकता है, ठीक है, ये सब होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, अब ये सब आप पढ़ सकते हैं आराम से, आपको अपने ईमेल जो ये लोग भेजेंगे, वेरीफाई करेंगे आपका ईमेल जो आप ईमेल इसमें मतलब पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाले पे ट्रिक कर देना है, उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड कर देना है, ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये फॉर्म भरेगा आपका कैंडिडेट नाम, अपना नाम डाल देंगे, अपने मदर का नाम डाल देंगे, याद रखिएगा मदर के नेम में SMT वगैरह नहीं लगेगा, फादर के नेम में मिस्टर वगैरह नहीं लगेगा। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन में अगर आपको आधार कार्ड डालना है तो यहाँ पे आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी वाला पुट कर देंगे, ठीक है।
अब देखिए उसके बाद मैं ऐसे ही पुट कर दिया हूँ। उसके बाद उसके नीचे बोल रहा है उसका नंबर, यानी कि आधार नंबर आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद परमिसेज नंबर, परमिसेज नंबर यानी कि आपके घर का नंबर, यानी कि होता है ना मेरे घर का नंबर 74 है वैसे तो आपके घर का नंबर अपना पुट कर देंगे, ठीक है। सब लोकेलिटी पूछ रहा है, स्टेट पूछ रहा है, और यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है। पिन कोड आप डालेंगे अपने ज़िले का, ठीक है, आपका ईमेल एड्रेस होगा, और ये जो पासवर्ड बताया हुआ है मैंने आपको बताया था 8 से लेकर के 13 लेटर में होना चाहिए, कैरेक्टर में होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, फिर एक मतलब उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए 1, 2, 3, 4 टाइप की, और फिर एक आपका स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड अपना कन्फर्म कर देगा। यहाँ पर जो आप मोबाइल नंबर देंगे, एक चीज़ याद रखिएगा कि उसको वेरीफाई करेगा, उस पर OTP भेजेगा, तो अपना मोबाइल नंबर अपने पास रखे रहेगा। बहुत लोग का क्या होता है कि वो लोग फॉर्म भरवाते रहते हैं साइबर कैफ़े पे, पापा जी का नंबर दे देते हैं अपने, उनके पापा जी होते हैं कहीं और, तो ऐसा मत कीजिएगा, आप एक मोबाइल लेके जाइएगा, ठीक है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर भरना है, ठीक है, लोकेलिटी भरना है, वो भी ऑप्शनल है, भर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लैंडलाइन नंबर वगैरह भरना है, तो लैंडलाइन नंबर यानी कि ये सब ऑप्शनल होता है, चाहे तो भरिए चाहे तो मत भरिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब भर के यहाँ पे एंटर सिक्योरिटी पिन, यानी जो सिक्योरिटी पिन आपको नीचे दे रखा है उस सिक्योरिटी पिन को देना है, फिर सबमिट कर देना है, ठीक है। और इतना सब सबमिट करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर वगैरह होगा वो क्या करेगा, आपका मोबाइल नंबर जो होगा वो सब आपके वेरीफाई करेंगे, यानी उस पर OTP भेजेगा, 1 टाइम पासवर्ड, और ये होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। फिर आपके इमेजेस अपलोड होंगे, आपका इमेज हो गया, डेट ऑफ बर्थ का इमेज हो गया, यानी कि जो जो इमेज वो बोला था वो इमेज वो मतलब कि वो अपना अपलोड करेगा, ठीक है। और फिर फी पेमेंट में आपका बैंकिंग वगैरह से, नेट बैंकिंग, ATM वगैरह से, आपका ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे गेटवे से आपका पेमेंट ले लेगा, ठीक है गाइज। तो ये मैं आपको बता दिया फुल्ली फॉर्म कैसे फिल होगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ जाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और देखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आप एक स्टूडेंट हो और आपको मतलब कि स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए होगी, ठीक है गाइज। तो और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है गाइज, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, प्री फाउंडेशन एंड फाउंडेशनल IT एंड स्टडी माइंड, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाइए। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे से अच्छे जगह के LAN रेजोनेंस, यहाँ के सीनियर फैकल्टी टीचर्स IIT जेई जो बच्चे टॉप किए हैं उन लोग के नोट्स फ्री में, हर एक बुक जो कि 1500-2000 की बुक्स है वो उनकी बुक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, 9 से लेकर 12 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की हर एक चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़, DPP हर चीज़, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन हो जाइए, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। तो चलिए, आपको कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिएगा गाइस, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।